वी नो दैट कि हमने जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो हमने अगेन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, या तो पेशेंट में माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, या मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, या सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा. तो वो जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द कैरिको इंडेक्स. एंड इन माइल्ड केसेस जो हम ये कैरिको इंडेक्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, दीज PaO2 रेशियो ऑफ FiO2 रेशियो. ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो विद इन कैटे जो माइल्ड केसेस में होनी चाहिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, वो है हमारी 200 से 300 के बीच में. लेकिन अगर हम मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की बात करें, तो मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जो ये PaO2 FiO2 रेशियो जो होगी वो लेस देन 200 हो जाएगी, और उस केस में हमें ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी. वी विल प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क, दैट इज लो फ्लो डिवाइसेस एंड हाई फ्लो डिवाइसेस. मूव ऑन टू द सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. इसमें क्या होगा कि सेम जो PaO2 FiO2 रेशियो है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 100. तो उसमें हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे पेशेंट में, ईदर द CPAP और BiPAP. And we'll have to monitor the patient for at least 1 hour. If the SpO2 level is not maintained, अगर हम pregnant mothers की बात करें, pregnant mothers में जो SpO2 level हमें maintain करके चलना है, that is more than 94% to 96%. And in non-pregnant adults, it will be greater than 90% or 91%. So उससे ज़्यादा होना चाहिए after non-invasive ventilation. उसके बाद भी अगर SpO2 लेवल हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है, देन वी विल स्टार्ट द ET इंट्यूबेशन हम करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एंड अगेन ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 1 to 2 hours. अगेन इफ द SpO2 लेवल इज नॉट मेंटेन, देन मैकेनिकल वेंट पेशेंट, वी हैव टू पुट द पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर. दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म. अब हमने पढ़ा कि जब हमारे पास मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था तो हमने ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट की पेशेंट में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन मास्क. सो मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क. देर आर द टू टाइप ऑफ मास्क, देर इज लो फ्लो डिवाइसेज एंड हाई फ्लो डिवाइसेज. जो लो फ्लो डिवाइसेज होते हैं, द फर्स्ट वन इज अ नेजल प्रोंग्स. दिस इज अ लो फ्लो डिवाइस मास्क. अनदर नेम ऑफ नेजल प्रोंग इज नेजल कैनुला, नेजल बाई नेजल कैनुला. And the oxygen concentration is provided through this is 24% to 40% of oxygen concentration at the rate of 1 to 6 liter per minute, but not more than 4 liter per minute we are providing, because if we are providing more than 4 liter per minute, the nasal mucosa will dry and it will irritate the mucosa. Another low flow devices is normal mask, simple face mask. That the another name of simple face mask is Hudson mask. The oxygen concentration provided with this mask is 40% to 60% at the rate of 6 to 10 liters per minute. If in COVID patient अगर हम लो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जब पेशेंट इनहेल करता है तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा लॉस होती है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल मास्क. तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन इसमें हम N95 का यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो लॉस है वो ज़्यादा ना हो, एंड जो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एडिक्वेट पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी मिलनी चाहिए वो मिलेगी इससे. ठीक है, अनदर इज अ फेस हुड एंड द ऑक्सीजन टेंट. हुड जो होता है वो हम पीड्स वाले पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, जो NICU है, नर्सरी है, उन पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं. एंड जो हुड है उसके बेसिस पे, उसके थ्रू हम 28% to 100% ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू द बेबीज. मूव ऑन टू द हाई फ्लो डिवाइसेज. इन हाई फ्लो डिवाइसेज द फर्स्ट वन इज नॉन रीब्रीदर मास्क. See, this is a non-rebreather mask. This is the reservoir bag, and here the walls are present in non-rebreather mask. Another same mask is there that name is partial rebreather mask. But दोनों में difference ये होता है कि जो non-rebreather mask होते हैं उनमें
वॉल प्रेजेंट होते हैं और जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क होंगे उनमें ये वॉल प्रेजेंट नहीं होंगे. एंड हाउ वी आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो बलून है ये हम पहले इन्फ्लेट करेंगे बाय कनेक्टिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर विद द ट्यूबिंग एंड बाय क्लोजिंग दिस ट्यूब एंड वी आर इन्फ्लेट द बलून एंड प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन थेरेपी. दोनों में एक डिफरेंस और ये भी है कि ये जो रिजर्वॉयर बैग होता है नॉन रीब्रीदर मास्क का, ये डिफ्लेट हो जाता है कम्प्लीटली, लेकिन पार्शियल रीब्रीदर में ये जो रिजर्वॉयर बैग है वो कम्प्लीटली डिफ्लेट नहीं होता. 1/3 उसमें जो ऑक्सीजन है वो उसमें रह जाती है. दोनों में एक ये डिफरेंस है. जो नॉन रीब्रीदर मास्क है दैट प्रोवाइड 60-90% ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एंड इट विल स्टार्ट 5 liter per minute से स्टार्ट करके इट विल कॉन्टिन्यू टू 10-15 liters per minute. जो हमारे पार्शियल रीब्रीदर्स होते हैं, पार्शियल रीब्रीदर मास्क जो होता है उसमें हम सेम 60-80% ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वी आर प्रोवाइडिंग सेम एट द रेट ऑफ 10-12 liters per minute. नेक्स्ट इज अ वेंचुरी मास्क. वेंचुरी मास्क इज अगेन अ हाई फ्लो डिवाइसेस. हाई फ्लो डिवाइसेस में वेंचुरी मास्क जो होता है वो हमारे पास कलर कोडिंग में अवेलेबल होता है, दैट इज़ ब्लू, ऑरेंज, वाइट, येलो एंड ग्रीन. एंड अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग वी आर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन टू द पेशेंट. इफ डॉक्टर सेड कि येलो वेंचुरी मास्क, सॉरी ब्लू वेंचुरी मास्क हमें यूज़ करना है, तो दैट इज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो ब्लू वेंचुरी मास्क से जाएगी दैट इज 24-28% एंड एट द रेट ऑफ 2-4 liters per minute. एंड ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम अलग अलग डिफरेंट कलर कोडिंग्स यूज करेंगे जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है इट विल इंक्रीज फ्रॉम 24% to 50% ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड एट द रेट ऑफ 2-4 liter to 10 liters per minute. बट नाउ आर डेज जो वेंचुरी मास्क है वो एक सिंगल कलर में प्रेजेंट है, ग्रीन कलर में या फिर ब्लू कलर में. उसमें क्या है कि रोटेटर प्रेजेंट है और उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उस रोटेटर में दिए हुए हैं. तो सपोज हमें ये ऑर्डर्स मिले कि आपको 30% ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देनी है, तो हम उस रोटेटर को क्या करेंगे, हम उसमें मूव कर देंगे एंड उस पर सेट कर देंगे रोटेटर को 30% पे एंड विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मास्क वी आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी टू द पेशेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क. मूव ऑन टू द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर. दिस इज अ पोर्टेबल डिवाइस दैट इज वाइडली यूज इन कोविड टाइम. जो पेशेंट हैं होम आइसोलेशन पे थे उन लोगों ने बहुत वाइडली यूज़ किया है, और जिन पेशेंट्स को ब्रीदलेसनेस प्रेजेंट थी उन लोगों ने. सो ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज वर्क ऑन प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन. इसमें क्या होता है, हम इसे रूम एयर पे स्टार्ट करके रखेंगे एंड वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए. जो मेन एडवांटेज होती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की कि इसमें हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है. जो ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये हमारे रूम एयर को ही क्या करेगा, कैरी करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन, सी दिस वन. एंड यहाँ जो रूम एयर है वो एंटर होगी एंड इसके अंदर क्या होता है, कंप्रेसर प्रेजेंट होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेसर जो मेम्ब्रेन है उसमें अजियोलाइट क्रिस्टल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन. उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर होके बाहर की तरफ चले जाएंगे विद दिस ह्यूमिडिफिकेशन से. विद दिस ह्यूमिडिफायर हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे एंड नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं उसी मेम्ब्रेन में ट्रैप हो जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमिडिफिकेशन हम पेशेंट को लो फ्लो डिवाइसेस से हम ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 5 liter per minute. ये हमारे पास, बट इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटर एंड केजीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटर. अगर बड़ा है तो ज़्यादा भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमारे पास इतना ही साइज का है तो हम 5 liter per minute पे ही देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नेजल प्रोम और लो फ्लो डिवाइसेस. वन मोर थिंग कि जो हम इसमें एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए जो हम ह्यूमिडिफायर में जो वाटर यूज़ करें दैट इज इधर डिस्टिल्ड वाटर, इधर स्टराइल वाटर, या तो अगर हम टैप वाटर यूज़ करेंगे
अगर हम टैप वाटर यूज़ करेंगे तो वो हम बॉयल टैप वाटर वॉर्म बॉयल टैप वाटर कूल करके हम यूज़ करेंगे। जो नॉर्मल टैप वाटर है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट विल लीड टू इंक्रीज द म्यूकोर माइकोसिस केसेस। सो डिस्टिल्ड वाटर और स्टराइल वाटर वी यूज़ दिस फॉर दिस ह्यूमिडिफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन मास्क।